येलो अलर्ट के बाद तमाम पाबंदियां जारी हैं। हालांकि अब जो है वो दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि अब ग्रैब के अंतर्गत नहीं डीडीएमए की बैठक में ये फैसला होगा कि आगे दिल्ली में क्या कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। इस वक्त हम एक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और मेट्रो में भी येलो अलर्ट के बाद जो है वो 50% कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी और साथ ही साथ स्टैंडिंग जो लोग हैं वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहीं 15 फ्लाइंग स्क्वैड्स जो है वो भी तैनात किए गए हैं। इस तरह से कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहां पे आरटीपीसीआर की जांच जो है वो बिल्कुल मुफ्त हो रही है और लगातार लोग जो है उनमें भी चिंता है। इसी वजह से केवल एक घंटे में 60 लोग जो हैं वो आरटीपीसीआर की जांच करा चुके हैं। सर, आप लोग यहाँ आरटीपीसीआर की जाँच कर रहे हैं, जो लोग यहाँ जा रहे हैं आप लोग क्या देख रहे हैं? लोग, मैंने कई बार देखा कि आपने लोगों को टोका है। जी, मास्क, कई बार ऐसा होता है कि मैम की लोग बाग मास्क लगा के नहीं आते, उनको बोलना पड़ता है मास्क लगा लीजिए सर। तो अभी भी आप लोगों को टोकना पड़ रहा है क्योंकि इतने मामले सामने आ रहे हैं। जी जी सर, फिर वो मास्क ऊपर करते हैं। जी जी, और यहाँ मेट्रो स्टेशन पर भीड़ भी बहुत ज्यादा दिख रही है। जी मैम, देखिए भीड़ भी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ अभी भी लोगों की गंभीरता में कमी दिख रही है। 950 मामले कोरोना के और लगभग 250 मामले ओमिक्रॉन के हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन और सरकार के साथ साथ लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बेहद जरूरी है, तभी एक बार फिर से हम कोरोना और ओमिक्रॉन के खिलाफ देश की जंग में जीत पाएंगे। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24।